शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के चक्रामपुर गांव में हुए खूनी संघर्ष में गुरुवार को छठवें दिन भदौरिया परिवार के एक और सदस्य की मौत हो चुकी है। वोटिंग के दिन हमले में घायल मुन्ना भदौरिया की भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुन्ना का ग्वालियर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इसके पहले घटना वाली रात पत्नी, छोटे भाई और भतीजे की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हत्याकांड में गुरुवार को चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ परिजन और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रशासन से आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक मकान नहीं टूटेंगे तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शिवपुरी पुलिस के आला अधिकारी और करेरा एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। बारात के रहने के लिए होती है, जो आबादी के नॉर्म्स के विपरीत उनके छज्जे थे, उनकी दुकानें थी, जो व्यवसायिक होती हैं वो जिनने तोड़ी है, वो उनके कानून के दायरे में नहीं आते, वो उन्हें तोड़ दिए। जो कानून के दायरे में आते वो नहीं तोड़ सकते, तो फिर न तोड़े रहेंगे, ये है इनका उत्तर। वो जो चार मकान टूटने थे वो तो मकान चार नए, ऐसे नहीं है कि सारे मकान तोड़ दिए जाए। अगर आबादी में सीओ के अधिकार में जो प्रोसीजर में है उतने जिनने कार्रवाई की है, किसके अधिकार में आपके ग्राम पंचायत, किसके अधिकार में मकान तोड़ बता दो, सीओ साहब का मकान तोड़ना ग्राम पंचायत के जी। चक्रामपुर की घटना के लिए नरवर में हम सब लोग इकट्ठा हुए, जो नरसंहार चक्रामपुर में हुआ है, जो बर्बरता महिलाओं के साथ करी है, टांग पे टांग रख के चीरा और कुलाड़ी से काटा गया है, इसको हत्या बोलेंगे या बर्बरता बोलेंगे या नरसंहार बोलेंगे, मतलब इस घटना को आप क्या बोलेंगे? जनमानस का आक्रोश है, ये प्रशासन समझे। कलेक्टर ने तो हर धर्म की हद कर दी है, जो आज तक भी इस घटना का संज्ञान नहीं लिया। हाँ, इतना टाइम हो गया, कलेक्टर का राजा होता है, उसको संज्ञान लेना चाहिए इस टाइम पे आके, लेकिन आज तक इस नरसंहार का उसने आके एक बार भी दर्द नहीं पूछा। तब जाके समाज को इकट्ठा होना पड़ रहा है, तब जाके हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। हमारी पीड़ा समझने वाला ही समझ सकता है कि हम किस